मूवी की शुरुआत में हम एस्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ गपागप कर रही थी। जैक का काम हो जाने के बाद वो सो जाता है, पर एस्ली की प्यास अभी भी नहीं मिटी थी, इसलिए वो बाथरूम में जाके खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जैक आ जाता है और एस्ली को ऐसा करते हुए देख लेता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर एस्ली को ख्याल आता है कि अगर जैक उसे खुश नहीं कर पा रहा तो उसके साथ रहने का क्या फायदा, इसलिए वो जैक को छोड़ के अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम जूइस था। वो एस्ली को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगले दिन एस्ली इंटरव्यू देने कॉफी शॉप में जाती है। शॉप में वो एक लड़का और एक लड़की को किस करते हुए देखती है। तभी वो लड़का एस्ली को देख लेता है और उसके पास आता है। उसे लगता है कि एस्ली एक कस्टमर है, पर एस्ली बताती है कि वो यहाँ इंटरव्यू देने आई है। वो लड़का उस शॉप का ओनर होता है और उसका नाम रॉफ था। रॉफ एस्ली की खूबसूरती देखकर उसे काम पे रख लेता है। शाम को एस्ली जब घर वापस आती है तो उसे घर पर वही शॉप वाली लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम डीलन था और वो इस घर में जूइस के साथ रहती थी। एक बार एस्ली को डीलन की एक बुक मिलती है तो वो उसे पढ़ने लगती है। उस बुक में ओनर और उसकी मेड की हौस भरी कहानियाँ थी। एस्ली ये पढ़कर एक्साइटेड हो जाती है और खुद को सहलाने लगती है। तभी वहाँ डीलन आ जाती है और वह उसे कहती है कि तुम्हें वो बुक पूरी पढ़नी चाहिए। एस्ली वो बुक शॉप में ले जाती है। रॉफ ये बुक देख लेता है और एस्ली के मजे लेने लगता है। वो एस्ली से कहता है कि ये बुक डीलन की है और तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई। यहाँ रॉफ एस्ली को बताता है कि डीलन एक हरामी लड़की है जो सबकी रातें रंगीन करती है। ये सुन के एस्ली उसे कहती है कि अगर वो ऐसी लड़की है तो उस दिन किचन में तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। तो रॉफ कहता है कि मुझे तब बहुत प्यास लगी थी और मैं अपनी प्यास बुझा रहा था। रात को रॉफ एस्ली के घर जाता है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते समय एस्ली को बहुत चढ़ जाती है और वो रॉफ से कहती है कि वो अपने हाथों की मेहनत से बोर हो चुकी है, उसे भी कोई मर्द चाहिए जो उसकी गहरी प्यास मिटा सके। यहाँ रॉफ समझ जाता है कि एस्ली क्या चाहती है। अब रॉफ एस्ली के करीब जाता है और उसके साथ गपागप करता है। इसके कुछ दिनों बाद जूइस का बर्थडे आता है, जहाँ बहुत से लोग पार्टी में आते हैं। जूइस एस्ली को क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ से मिलाती है। थोड़ी देर बाद जूइस अपने बॉस क्रिस्टोफर को ड्रिंक पिलाने ले जाती है और ड्रिंक करने के बाद वो दोनों एक रूम में जाके किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्ली और स्कारलेट के बीच बातें हो रही थी। स्कारलेट का काम बहुत ही रंगीन था। वो एस्ली को बिना कपड़ों के फोटो लेने के लिए कहती है, क्योंकि स्कारलेट ऐसे फोटो को इंटरनेट पे डाल के पैसे कमाती है। एस्ली ये ऑफर मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर स्कारलेट जाके जूइस के साथ गपागप करती है। इसके बाद स्कारलेट जूइस के पास जाती है और दोनों गपागप करते हैं, क्योंकि स्कारलेट को लड़कियाँ बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ हम इलियट नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो बहुत देर से एस्ली को घूर रहा था। एस्ली जब अपने रूम में थी तब इलियट उसके पास जाता है और उसे बातें करने लगता है। इलियट को वहाँ एक बुक मिलती है जिसे देखकर वो एस्ली से कहता है कि ये बुक मैंने लिखी थी। एस्ली को उस पर विश्वास नहीं होता और वो बुक के ओनर नोलन के ऑफिस में फोन लगाती है और वो कॉल इलियट के फोन पे फॉरवर्ड हो जाता है। ये देखकर एस्ली इलियट से काफी इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन इलियट एस्ली के पास एक बुक भिजवाता है जिसे पढ़कर एस्ली के मन में हवस जाग उठती है। इलियट फोन पे उसे कहता है, अगर तुम फुल इंजॉय करना चाहती हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। एस्ली उसकी बात मान जाती है। ये सब करके एस्ली फुल सेटिस्फाइड होना चाहती थी। इलियट एस्ली को पहला टास्क देता है। वो कहता है कि आज तुम बिना अंडरवेयर पहने अपने काम पर जाओ। एस्ली उसकी बात मान लेती है और बिना अंदर कुछ पहने कॉफी शॉप में जाती है। शॉप में सभी लड़के उस पर लट्टू हो जाते हैं और एक लड़का बार बार उसके पास आके कॉफी लेने लगता है। ये सब देख के रॉफ एस्ली के पास जाता है। रॉफ को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे अंदर वाले कपड़े पहनने को कहता है, पर एस्ली मना कर देती है। अब ये सब करके एस्ली को अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंस फील होने लगा था। इसके बाद एस्ली स्कारलेट के पास जाती है और कुछ फोटो शूट कराती है। अगले दिन इलियट एस्ली को अपने घर बुलाता है तो एस्ली उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन इलियट के घर पहले से ही डीलन मौजूद थी। इलियट डीलन को फंसा के उसे एक रूम में बंद कर देता है और इसके बाद वो एस्ली के साथ गपागप करता है। पर अगले दिन डीलन को पता चल जाता है कि कल रात इस घर में इलियट किसी लड़की के साथ था। अब इस बात से दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन फिर से एस्ली इलियट के घर जाती है।
और आज के टास्क में इलियट एस्ली को पॉलिथीन में रैप करके उसे पेल देता है। दूसरी तरफ डिलन को एस्ली के रूम में इलियट का एक लेटर मिलता है और ये पढ़ के वो समझ जाती है कि उस रात इलियट के घर जो लड़की आई थी वो एस्ली थी। इसके बाद डिलन इलियट को एक धमकी भरा मैसेज भेजती है और कहती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो एक वीडियो एस्ली को भेज देगी। अब इलियट की यह सुन के फट जाती है। इलियट अब एस्ली को अगला टास्क देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें किसी और के साथ गपागप करना होगा। एस्ली ये सुन के मना कर देती है पर इलियट उसे मना लेता है। एस्ली उस जगह पे पहुंच जाती है, वहां उसे डिलन मिलती है। डिलन जबरदस्ती एस्ली के साथ गपागप करती है। एस्ली फिर वापस इलियट के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि वहां डिलन है तो तुमने मुझे वहां क्यों भेजा। तब इलियट कहता है कि उसने ये सब डिलन का ट्रस्ट जीतने के लिए किया है। एस्ली कहती है कि दोबारा मुझे ऐसा कोई टास्क मत देना। इसके बाद एस्ली जब घर आती है तो वो देखती है कि डिलन घर छोड़ के जा रही है। यह दोनों में बहस हो जाती है। डिलन एस्ली को एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि इलियट उस बुक का ओनर नहीं है, वो तो बस उस बुक लिखने वाले नोलन का एडिटर है, इसलिए उसके पास सबसे पहले न्यू बुक आ जाती है। वो और भी बताते हुए कहती है कि इलियट इस तरह से लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ अपनी हवस मिटाता है। एस्ली को ये जानकर बहुत दुख होता है। फिर इलियट के पास डिलन का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि उसका भांडा फूट चुका है। ये सुन के इलियट भागकर एस्ली के पास जाता है। एस्ली इलियट पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि इतने दिनों तक इलियट ने एस्ली से झूठ बोलकर उसके साथ गपागप किया। यह दोनों में बहस हो जाती है और एस्ली इलियट को एक थप्पड़ मार के अंदर चली जाती है और वो बहुत रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डिलन नोलन से मिलने जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।